जी शेख, तो इस पर अहलादी सुलमा का ही कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है शेख। जहाँ जब कोई अकेला आदमी नमाज पढ़ता है तो वहां पर भी कुछ उलमा ने करने और ना करने को बोला है, और अगर कभी किसी गैर अहलादी सुलमा जो जलसतुल इस्तहारात को प्रैक्टिस नहीं करता है, जो इमाम नमाज में, तो उसके पीछे ना करने का फतवा अलबानी रहिमहुल्लाह ने कहा था मुक्तदियों के लिए। तो जी इस कंफ्यूजन के लिए आंसर क्या है शेख? जजाकल्लाह। जी देखिए, भाई ने जलसे इस्तराहत के बारे में सवाल किया है। हमारे जो नाज़रीन जलसे इस्तराहत का मतलब नहीं समझ रहे हैं, वो उनके लिए कि दोनों सजदों के दरमियान जो है सॉरी, दो सजदे करने के बाद जब आखिरी आप उठते हैं, दो सजदे करने के बाद जब आप कयाम के लिए खड़े होते हैं, तो उठने के दरमियान और खड़े होने के दरमियान बैठने को जलसे के बारे में इनका सवाल है कि क्या दो सजदा कर लेने के बाद थोड़ा सा बैठ करके फिर उठेंगे, या सजदे के बाद डायरेक्ट उठ जाएंगे बैठे तवक्कुफ किए बगैर। तो ये जो थोड़ा सा बैठना है, इसके बारे में इनका सवाल है। तो इसके बारे में जैसा कि आपने बयान किया कि लोगों का इख्तलाफ है फुकहा के दरमियान, असल में इस सिलसिले में एक हदीस वारिद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने दोनों सजदों के बाद तवक्कुफ किया, थोड़ा सा बैठे, हल्का सा। उस बैठने का मतलब लंबा बैठना नहीं है, बहुत हल्का सा बैठे, उसके बाद आप उठे। लेकिन उस हदीस के सिलसिले में बहुत सारे उलमा ने, शुर्राहे हदीस ने, फुकाहा ने कहा है कि पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तवक्कुफ और ये बैठना रिवायत नहीं किया गया, ये मामला आखिरी उम्र का है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज्यादा हो गई। और जाहिर है जब कोई सिन रसीदा इंसान, उसको उठने और बैठने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब डायरेक्ट उठने में परेशानी हुई तो आपने थोड़ा सा तवक्कुफ करके फिर आप खड़े हुए। तो गोया कि ये उस आदमी के लिए है जिसको इस तरह की परेशानी हो, ये आम हुक्म नहीं है। ये उन उलमा का कहना है जो इस जलसा के कायल नहीं हैं। वहीं पर जी दूसरी जानिब बाज उलमा का कहना है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार भी साबित हो गया तो फिर ये करेंगे। तो इस तरह से इख्तलाफ है, और इख्तलाफ की वजह यही है जो मैंने बताया कि एक हदीस के अंदर है जिसकी तावील या तौजीह या तशरीह इस तरह से करते हैं। मेरी राय इस सिलसिले में यह है कि इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी मसाला जो ये है इसके अंदर इहतमाल मौजूद है बहरहाल। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर सहाबा ने, जिन्होंने नमाज को रिवायत किया है, नमाज की कैफियत को जिन्होंने बयान किया है, उन्होंने इस जलसा का जिक्र नहीं किया है। गोया कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किया भी तो हमेशा मुदाओमत के साथ इसका करना ये साबित नहीं है। तो ये मुमकिन है कि किसी खास हालत में, किसी खास कैफियत में आपने किया हो, तो इहतमाल दोनों बातों का मौजूद है, इसलिए इसमें शिद्दत बरतने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी को जरूरत है, खासतौर से जो बुजुर्ग और बूढ़े लोग होते हैं, तो वो कर ले। लेकिन कई मस्जिदों में ये देखा गया है इतना लंबा जलसा करते हैं कि ऐसे लगता है वो उठना भूल गए हैं, जी उसमें लगता है कोई दुआ पढ़ने लगे हैं, जी लगता जी है तशहुद में बैठ गए हैं। नहीं, ये इस तरह का बैठना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित नहीं है। मेरा अमल जिस पर है मैं नहीं करता हूं। दोनों सजदों के बाद आप उठिए और उठने के बाद फौरन खड़े हो जाइए, तवक्कुफ नहीं। अब वो जो तवक्कुफ उठने और खड़े होने के दरमियान है, एक सेकंड का या जो भी होता हो, वो तवक्कुफ जो है, अगर कोई उसको तवक्कुफ कहे तो हाँ ठीक है, वो तवक्कुफ है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशतर सहाबा ने, नमाज को जिन्होंने रिवायत किया है, उन्होंने इस जिलसा का जिक्र नहीं किया है। तो अगर किसी को जरूरत है तो वो करे, वरना ना करना ये अफजल है। और बाकी इस मसले में बहुत ज्यादा शिद्दत बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदिल्ला मुहतमल है।